श्री श्रीहरि परमानंदमुपदेष्टारमीश्वर व्यापक सर्वोकाना कारणंत तनवाम्य हम श्रीमदुरुभ्यो नमः परम कारुणिक भगवान हरि एवं श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडवत दीनता पूर्वक प्रणाम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम और आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण हरिओम पूज्य भाई श्री के मुखारविंद से कथा का लाभ हम सभी ले ही रहे हैं और ऋषि कुमारों के द्वारा श्रीहरि के चरणों में कुछ सेवाएं प्रदत्त हो रही हैं उसी क्रम में आज हमें विष्णु सहस्र नाम के अनुसार भगवान नारायण के हजारों नाम बताए गए हैं उसमें से दो नामों को हमें आज समझने का प्रयास करना है सहिष्णु और अनघ इन दो शब्दों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे श्री विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र के अंदर इन दोनों शब्दों का प्रयोग दो दो बार हुआ है दो बार प्रयोग हुआ है तो इसके पीछे क्या दोनों का एक ही तात्पर्य है और है तो फिर दो बार प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है शंकराचार्य जी समझाते हैं कि ये शब्द दो बार कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बार बार हुआ है तो इन शब्दों का बार बार प्रयोग होने के बावजूद इन शब्दों की पुनरुक्ति नहीं समझना चाहिए तो सबसे पहले सहिष्णु शब्द है उसका प्रयोग गीता प्रेस की विष्णु सहस्र नाम के अनुसार उनतीसवें श्लोक में भ्राजिष्णुर्भोजन भोक्ता सहिष्णु और तिहत्तरवे श्लोक में आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णु ऐसा कह करके और दो बार प्रयोग किया गया है अब इसकी पुनर पुनरुक्ति क्यों नहीं समझनी चाहिए शंकराचार्य जी समझाते हैं कि विष्णुवादिश्नाम पुनरुक्ता अभी वृत्ति भेदे न अर्थ भेदात न पौनरुक्त्यम वृत्ति भेद होने के कारण उनके अर्थ में भेद हो जाता है और इस भेद के कारण हमें पुनरुक्ति नहीं समझनी चाहिए अच्छा तो सहिष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है तो एक अर्थ ऐसा समझाया कि जो हिरण्याक्ष आदि जो दैत्य हैं, हिरण्याक्ष आदिन असुरान सहते अभिभवती इति सहिष्णु हूं इन दैत्यों का उद्धार उन्होंने किया है उनको परास्त किया है पराजित किया है इसलिए इनका एक नाम सहिष्णु है और वैसे भी अवतार का तो प्रयोजन ही वही है ना परित्राणा साधुना विनाशा च अभिमानी और फिर तब तब प्रभु विविध शरीरा तो इसलिए उनका उद्धार करने के कारण एक नाम सहिष्णु है और दूसरे अर्थ में सहत इति सहिष्णु हूं भगवान सहन करते हैं क्या सहन करते हैं कह रहे हैं द्वंद्वानी शीतोषणादीनी, सहत इति सहते इति, सहिष्णु सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं और हमारे भी कई पापों को शायद सहन करते हैं इसलिए भी सहिष्णु नाम है अगर रोज बरोज हमारी जिंदगी में किए गए पापों की सजा देने के लिए वो दखल अंदाजी करते तो सोचो रोज उनको कितनी बार आना पड़ता है ना ये तो हमें या उन भगवान को ही पता है तो सहन करते हैं इसलिए उनका नाम सहिष्णु है देखो मां के गर्भ में जो जीव होता है ना तो वो पांच छह महीने के बाद सात महीने से वो पेट में लात मारना शुरू करता है तो मां उसको अपराध नहीं समझती ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति में भागवत में स्तुति में भगवान को यही प्रार्थना कर रहे कह रहे हैं उत्क्षेपणम गर्भगत्य पादयो हो किम कल्पते माँ तुह अध जाग से मां की उदर में रहने वाला जीव अपने लात मार करके और उनके पेट में प्रहार करता है लेकिन मां उसको अपराध नहीं समझती हे अधोक्षज। कितना सुंदर संबोधन है और ऐसा संबोधन जब कुछ दिमाग में उतरता है तब मुझे हमेशा भाईश्री की याद बात बात याद आती है कि हरेक संबोधन के पीछे चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता की बात हो किसी पुराण की बात हो हमारे किसी शास्त्र की बात हो हरेक संबोधन के पीछे बहुत सुंदर विज्ञान है यहाँ पर ब्रह्मा जी अधोक्ष जग क्यों कह रहे हैं देखो माँ जब पेट में लात मारता है ना जीव तब वो माँ ऐसे नीचे देख करके और हंसती है और अधोक्षज का एक अर्थ यह भी होता है कि जिन्होंने जिस ना भगवान ने अपने आँखों को अपने नेत्रों को नीचे अपने अक्षों को नीचे किया हुआ है ऐसे अधोक्षज तो जिस तरह भगवान वो माँ ऐसे नीचे देख करके और अपने पेट में जो लात मार रहा है उस जीव को ऐसा नहीं कहती कि निकल तू बाहर फिर तुझे बताती हूँ है गुस्सा नहीं करती ना उसी तरह भगवान हम भी न जाने जाने अनजाने में कितने दोष कितनी गलतियां करते हैं उस माँ की तरह तू भी हमें क्षमा करना कितना सुंदर विज्ञान है विशिष्ट ज्ञान है है ना तो इसीलिए हमारी गलतियों को हमेशा वो माफ करते हैं सहन करते हैं इसलिए उनका नाम है सहिष्णु हूँ तेरी रहमतें बेमिसाल हैं बेहिसाब हैं करो किस जुबान से शुक्रिया फिर मुझसे कोई खता हुई तो तूने फिर गले से लगा लिया हमेशा हमें क्षमा करते हैं सहन करते हैं इसलिए भगवान का नाम है विष्णु देखो जब उन्हीं के परिवार वाले उन्हीं के कुल वाले यादव एक दूसरों को मार रहे थे काट रहे थे लेकिन ये कृष्ण परमात्मा बस दूर से देख रहे हैं दृष्टा बन करके क्रोध ना किया कुछ भी नहीं किया बस सहन कर रहे हैं है ना सहन किया ना भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती में जाकर के और लात मारी लेकिन भगवान ने क्या किया गुस्सा किया क्या कुछ दंड दिया कर सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने हंसते हंसते सहन किया सहन करते हैं इसलिए भगवान का नाम है सहिष्णु और दूसरा नाम जो हमको आज देखना है वो है अनघ अनघ का क्या अर्थ होता है अघम दुखम पापम दुख या पाप तो अघ यानी दुख या पाप जिसके अंदर नहीं है वो है अनघ अनघम नाम पापम दुखम न विद्यते अस्य इति अनघ उनके अंदर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का पाप नहीं है न ही किसी प्रकार का दुख है अगर कृष्ण भगवान की आंखों में से भी अगर आंसू निकले हैं तो वो दुख के आंसू नहीं निकले हैं प्रेमाश्रु निकले हैं है ना तो और इसीलिए भगवान की स्तुति में कहा गया है तवधाम विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोम बिल्कुल विशुद्ध है वो और मैं भगवत गीता में भी मैं देख रहा था कि भगवान को कहीं अनघ शब्द का उपयोग किया है कि तो वहां पर मुझे एक चीज ये मिली कि भगवान को अनघ शब्द से संबोधित किया है कि नहीं ये प्राप्त ये खोजते खोजते मुझे ये प्राप्त हुआ कि भगवान ने अर्जुन को अनघ कह करके के संबोधित किया है हाँ श्रीमद भगवत गीता में तीन बार भगवान ने अर्जुन को अनघ कहकर के संबोधित किया है बहुत विस्तार से ना देखते हुए लेकिन तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं लोके स्मिन निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनघ हे अनघ क्यों कहा क्योंकि पहले वाले दो श्लोकों में अर्जुन ने क्या कहा है कह रहे हैं व्या मिश्रेण न बुद्धि मोह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी बुद्धि में मोह हो रहा है ये सब कह रहा है और अंत में कहता है कि तदेकम वद निश्चित ये श्रेयो हम आप कुछ आप एक निश्चित करके और मुझे बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके यहां पर समझा रहे हैं कि अर्जुन ने अपने कल्याण के लिए सोचा है कि क्या करूं तो मेरा कल्याण हो जब जीव अपने देखो जीव का आने का प्रयोजन ये मनुष्य शरीर मिलता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि परम तत्व की प्राप्ति आत्म तत्व की प्राप्ति या अपने आत्मा का कल्याण कैसे हो ये जीव सोचे और जब जीव ये सोचने लगता है कि मेरा कल्याण मेरा श्रेय कैसे हो तब से उसके जीवन में से पाप मिटते जाते हैं देखो भागवत की शुरुआत में भी इसी प्रश्न से प्रारंभ हुआ है कि किससे श्रेय की प्राप्ति हो तो अर्जुन ने जब ये श्रेय परम वापसी था जब श्रेय की बात की तदेकम वद निश्चित ये न श्रेयो हम आपन की जब श्रेय की अपने कल्याण की बात की तब से भगवान ने उसे संबोधित किया हे अनघ चौदवे अध्याय में भी और अध्याय के कि हम भी, तो भी सहिष्णु हो सकते हैं अगर हमारे अंदर सहनशीलता आ जाए तो हम भी सहिष्णु हैं और इस तरह हम भी अपने कल्याण के लिए गंभीरता से सोचे तो हम भी अनघ हो सकते हैं तो इन दो नाम के की कीर्तन के द्वारा आज हम भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करें कि वो सहनशीलता और वो कल्याण के बारे में सोचने वाली निष्ठा हमारे अंदर वो प्रदान करें बोलो श्री हरि भगवान की जय जय श्री कृष्ण हरिओम